मैं शुएब, आज आप सबका स्वागत करता हूँ टेस्ट पेपर लाइव में। और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे भी मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्यार के लिए कि आपने जो हमें प्यार दिया है। आज आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप हमें मतलब प्यार दे रहे हैं। आप हम सब हमारे सभी के साथी हैं, आप लोग भी। आप सभी को इस चीज की हैप्पी टीचर्स डे, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, तो आज यही कामना करेंगे, यही विशेष देंगे आप सभी को कि आप सब सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम सभी के पास आगे मिठाई भी खिलाएं कि सर हो गए, हम सेलेक्ट हो गए। तो गाइस, यही बहुत दिल से यही शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू होके एक दिन जरूर अपन सफल होंगे। ठीक है, जरूर सफल होंगे। कहीं ना कहीं हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपन में कमी रह गई तो कोई बात की वजह से रह जाए, बट ऐसा नहीं है। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होगा। ठीक है ना गाइज, तो आप सभी के हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत विशेष मेरी तरफ से आप सभी के लिए। गाइज, अपन सब ये है कि देखिए, आपको क्या है कि एग्जाम अपना क्लोज आ रहा है। ठीक है ना, बहुत क्लोज है अपना एग्जाम। 2 दिन बाद अपना 2 दिन बाद अपना एग्जाम है एम्स का। ठीक है, एग्जाम है तो अपन को क्या करना है, अपन को हमेशा आप याद रखिएगा, अपन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना एग्जाम को। आपको सीरियसली सिंपल रखेंगे, माइंड से फ्री होके सिंपल रखेंगे, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा गाइस। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं आप याद रखिएगा, आपको टेंशन में डालकर, ये लेवल है ना टेंशन में, जो टेंशन में गया उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो अपन को एंजाइटी, अपन सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है ना, एंजाइटी को कम रखेंगे, एंजाइटी कम रखेंगे, सारे हॉर्मोन्स बढ़िया काम करेंगे। तो हमें क्या करना है गाइज, बहुत बहुत बेस्ट तरीके से अपन को क्या करना है, एंजाइटी को बुरा नीचे ले आइए। एंजाइटी को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि एंजाइटी लाने से, घबराहट से अपन को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, करना है। ठीक है, एक सवाल है, स्टार्टिंग अपनी एक सवाल से करना है, क्योंकि आज की क्लास जो है ना वो सवालों पर ही होती है। और आज का जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये भी पूरा सवालों पर है। मनोज जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि फोर्थ ईयर में है, फोर्थ ईयर में आने के बाद हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? मनोज जी, आप नहीं भर सकते, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, अपन भर पाएंगे। ठीक है, एक गाइस एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट बात क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो CHO वाले पेपर्स है ना, CHO के लिए स्पेशलाइज्ड 5 पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो चुके हैं। एक तो उसका बेनिफिट उठाइए, दूसरा बेनिफिट उठाना है अपन को किस चीज का, हमें 15 और टेस्ट पेपर है मात्र 99 रुपए में, उनका भी अपन को फायदा उठाना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। टीचर्स डे की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं फंडामेंटल के लिए, तो फंडामेंटल के लिए तैयार रहिए और आगे बढ़ते रहें अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, और एम्स के लिए भी हमने आपको प्रीवियसली बताया ना, एम्स के लिए क्या 10 पेपर एम्स के लिए भी फ्री दिए हैं, साथ के साथ अपन ने CHO के लिए भी फ्री है, और आगे जल्द जितने ही एग्जाम आएंगे उन सब के लिए भी आपके लिए हम जुड़े हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी अपन देने की कोशिश करेंगे। बस जरूरत क्या है, आप लोगों की जरूरत है, आपको बैठ के सॉल्व करने की जरूरत है गाइज। ठीक है, तो बहुत आप लोग बैठिए और बैठ के सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, तो हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं फंडामेंटल से। क्वेश्चन अपन इस तरीके से ले रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक को अपन क्लियर कर सके, आगे बढ़ सके। तो आप सभी का वेलकम करता हूं एक और बार, टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर यूज में आते हैं ना, वो कौन से कलर के होंगे, आप सभी को बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, एक व्हाइट टॉप हो, ब्लैक हो, या फिर अपना हो ब्लू कलर का, बी सी है व्हाइट, या डी है ऑरेंज। आप सभी के आंसर के लिए मैं वेट करूंगा कि क्या आंसर देने वाले हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं आपके आंसर जो है ना, तुरंत यही होता है। आप गाइस एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम देने बैठे ना तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ रहा है ना दिमाग में, माइंड में फिट हो रहा है, आप नीचे ढूंढिए और टिक कर दीजिए, यही तरीका होता है। यहां मत करिएगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन सा है, आंसर स्ट्राइक करते ही बिल्कुल उसके बाद उस क्वेश्चन को मत छेड़ना,
क्योंकि क्वेश्चन छेड़ते आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर इसका जो है ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, कैसा टॉप? ब्लैक तो बॉडी है, व्हाइट इसका टॉप है। एक बार इमेजिन करना जरूरी है, अपन को देखकर पहचानना बहुत जरूरी है। तो आपको एक सिलेंडर दिखा देता हूं, उसके हिसाब से पहचानिएगा गाइस, ठीक है? इमेज देखिएगा, हमें इमेज पूछा गया है, क्वेश्चन क्या चीज का, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां जो सिलेंडर है ऑक्सीजन वाला, उसका कैसा कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो आपको ये याद रखिएगा, ठीक है, आपको ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर का जो कलर होता है ना, ये कलर कैसा होगा? ब्लैक तो नीचे का बॉडी होगा, ठीक है, ब्लैक नीचे का बॉडी, ऊपर का जो ये होता है टॉप, ये कैसा होगा? ये टॉप होगा बिल्कुल व्हाइट कलर का, ठीक है? तो व्हाइट कलर का तो टॉप हो गया और ब्लैक कलर की बॉडी हो गई, ठीक है? तो ये दोनों चीजों को आप याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है, समझ गए? ये बाकी के सिलेंडर्स हैं, इन सिलेंडर्स के कलर आपको हैं, आप पूरा इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से कलर के हैं। तो अपन को क्या करना है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, जो क्वेश्चन पूछा गया इसका कलर याद रखिएगा गाइस। बढ़े आगे, अलग अलग है, नाइट्रोजन का अलग कलर होगा, हीलियम का अलग है, आर्गन का अलग है, एयर का अलग है, डिसॉल्व का अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, तो सबके अलग अलग कलर्स हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, हेमाटोमा हैज बीन अवॉइडेड बाय दी, हेमाटोमा जो होता है वो अवॉइडेड होता है बाय दी, ये याद रखिएगा, हेमाटोमा हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है गाइज, ये याद रखिएगा, ये स्लो और फास्ट का कुछ भी नहीं है, हमें एक एक टॉपिक याद करना है, क्योंकि पढ़ने बैठे हैं तो दिल से पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। हेमाटोमा हैज बीन अवॉइडेड बाय दी, हेमाटोमा को अवॉइड कर सकते हैं अपन कैसे? ए ऑप्शन है करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ड्रेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रेसिंग करेक्ट हो, बी ऑप्शन है करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, सी ऑप्शन है करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोशन, या डी ऑप्शन है करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। तो क्या आंसर होने वाला है हमें कि हेमाटोमा क्या होता है, इमेज से दिखा देता हूं आपको हेमाटोमा क्या होगा। ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये क्या हो रहा है, स्किन के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है ना, वहां हेमरेज वाला ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, इसी को मैंने बोला हिमाटोमा। इस हिमाटोमा को अपन कैसे बचा सकते हैं, इस हिमाटोमा को कैसे बचाएंगे, याद रखिएगा, कैसे बताएंगे जी, यहां आंसर दिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर ये है कि अपन को प्रैक्टिकल व्यू में भी याद रखिएगा, प्रैक्टिकल व्यू में कैसे, किसी को चोट लग गई, इंजरी हो गई, अंदर की इंजरी हो गई, तो हमें क्या करना है, हमें करना है करेक्ट वाला बी ऑप्शन, करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर, ये याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर मतलब आपको पता है कि आपकी जो स्किन है ना, स्किन के नीचे मसल्स आ जाती है, मसल्स के नीचे बोन आएगी, और इस बोन के चारों तरफ वेसल्स होती हैं, वेसल्स बंधी हुई होती है, कहीं ना कहीं इंजरी अगर वेसल्स में हो गई, वेन में हो गई, आर्टरी में हो गई, तो वो ब्लड क्या ऊजिंग हो जाएगी, ऊजिंग को रोकिए, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन होता है ना यार, हाथ को अपन कैसे करते हैं, पकड़ लेते हैं, तो पकड़ेंगे तो अपन दबाएंगे तो ब्लड का रुक जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या करते हैं, हेमाटोमा में प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं, कौन सी ड्रेसिंग, प्रेशर ड्रेसिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये क्लियर करते जाइए, हिमाटोमा दिखता कैसे, ठीक है, दिखेगा कैसे, अपन को वो इमेजिन किया, उसके बाद अपन को कैसे उसको रोकना है ये इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, हिमाटोमा ऐसा दिखेगा, प्रेशर लगा के अपन को उसको ड्रेसिंग करिए, रुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर ग्लासगोमा स्केल, ग्लासगोमा स्केल जो होती है उसका एक पैरामीटर नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि ये स्केल होती क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद ये स्केल का आइडिया होगा, तब जाके अपन इसमें अंदर ढूंढ सकते हैं। तो ए ऑप्शन है आई ओपनिंग, बी ऑप्शन है पिपुलरी रेस्पॉन्स, सी ऑप्शन है वर्बल रेस्पॉन्स, या डी ऑप्शन है मोटर रेस्पॉन्स। तो यहां क्या हुआ, हमें ये देखना है क्या हुआ। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अपनी क्लास का टाइम है ना 12 बजे का है, ठीक है, तो 12 बजे अपन हर टाइम पे 12 बजे पहुंचेंगे, किसी कारणवश अगर लेट हो गए तो आपके लिए माफी चाहेंगे, बट यहाँ अपना टाइम फिक्स है 12 बजे का है ना, तो आप लोग टाइम पे आया करें, और ज्यादा से ज्यादा गाइस जितना ज्यादा हो लाइक कर दें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपका प्यार हमें इस लाइक के जरिए डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, याद रखिएगा ग्लासगोमा स्केल क्या होती है, मुझे अगर किसी का कॉन्शियसनेस देखनी है ना, क्या देखना है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है कि भाई वो होश में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्केल बनाई गई थी ग्लासगोमा स्केल, ग्लासगोमा स्केल में क्या हुआ, एक कंटेंट देखा जाता है जिसे कहा जाता है ईवीएम,
ईवीएम मशीन नहीं है। ईवीएम अपना क्या होता है, अपना आई को खोलना वर्बल हो गया, वर्बल के साथ साथ मोटर हो गया, तो कौन सी चीज रह गई, कौन सी चीज रह गई, कौन सा पैरामीटर नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन जो है ना आप लोगों का, बी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या कि प्यूपिलरी रेस्पॉन्स इसका पैरामीटर नहीं है, ठीक है, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स इसका पैरामीटर नहीं है। तो अपन को पैरामीटर्स को देखने के लिए ईवीएम याद रखिए। ईवीएम क्या, ग्लास्कोकोमा कॉन्शियसनेस को ध्यान दिए। एक बार ग्लास्कोकोमा स्केल को भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। ग्लास्कोकोमा स्केल कैसे होने वाली है देख लीजिएगा इस, क्योंकि देखने वाली चीज जो होती है ना वो बहुत लंबे समय तक दिमाग में रह जाती है, ठीक है गाइस। तो ये याद रखिएगा, सुनने से ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको एक दिखाते हैं कैसी ग्लास्कोकोमा स्केल होने वाली है। ये पूरा फॉर्मेट है अपना, ठीक है, ग्लास्को का। तो यहां क्या हुआ, आप सभी को ये देखना है, ईवीएम हमने बोला था, ईवीएम, ठीक है। तो ये ई, ये वी और ये एम। आई ओपनिंग में अपन को देखना है स्पॉन्टेनियस, वो खुद खोल रहा है अपने बोलने पे खोल रहा है, दर्द करते हैं तब खोलता है या नहीं खोल रहा, तो उसके हिसाब से अपन ने क्या किया, स्कोर दिया। खुद के बोलने ऑटोमेटिक खोल लिया, 4 दे दीजिए। वर्बल रेस्पॉन्स में हमने देखा कि ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड मतलब दुनिया के बारे में जानता है कि टाइम क्या हुआ है, क्या दिन है, ओरिएंटेड है। कंफ्यूज्ड है मतलब उसको पता नहीं है, इन अप्रोप्रिएट वो क्या, नहीं क्या बोल रहा है, इन कॉम्प्रिहेंसिव मतलब शब्द ही नहीं निकल रहे। और यहाँ क्या हुआ, नन में कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ये सारा अपना देते गए। मोटर रेस्पॉन्स होते हैं कि मूवमेंट, हाथों के मूवमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, तो यहाँ क्या हुआ, हाथों के मूवमेंट भी यहाँ obeying, localize, withdrawal, flexing, flexing, extend कर रहा है, तो इनके हिसाब से भी पैरामीटर दिए गए। टोटल को जब गिना गया ना, टोटल को गिना गया तो टोटल जो है फुली अलर्ट वाला कितना हुआ, फुली अलर्ट वाला 15 हो गया। और अगर हमने देखा कि सर इसने आंखों में भी नहीं खोली, 1 दे दो। इनने सर वर्बल रेस्पॉन्स भी नहीं दिया, 1 दे दो। इसने मोटर रेस्पॉन्स भी नहीं दिया, तो ये याद रखिएगा 3 दे देते हैं। 3 क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम की उसका तो खेल बच गया। आप सभी को जी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, थैंक यू सो मच। आप लोग जो अभी आ रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, ठीक है। आते जाइए और लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है ना, लाइक करिएगा। आपके कमेंट्स को मैं देख रहा हूँ, बहुत बहुत प्यार देने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ अपन ने देखा ईवीएम का क्या फॉर्मेट होता है, 3 मिनिमम स्कोर होगा, 15 मैक्सिमम स्कोर होगा। ईवीएम यूज में आ रही है, ईवीएम क्या अपना ग्लास्कोकोमा स्केल यूज में आ रही है कॉन्शियसनेस को चेक करने में, ठीक है, कॉन्शियसनेस को चेक करने में। तो गाइज आज के जो है ना यहाँ अपन को एक एक चीज पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज भी देखेंगे सब कुछ, क्योंकि थोड़ा तो अपन सीख के जाएं, फंडामेंटल से अपन को पकड़ तो हो। तो हमने यहाँ देखा अगला क्वेश्चन, तो ये तो अपना हो गया, क्या कर दूं, बी को मैं लॉक कर देता हूँ, बी जो है इसका पार्ट नहीं है बी, तो बी को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है, ठीक है, बी को लॉक कर दिया। यहाँ मकसद जीसीएस का ये है कि आपको एक एक पैरामीटर एक समझाया जाए कि कौन सा आई ओपनिंग मोटर वर्बल ये अपन को समझाया जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रैडन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ, ब्रैडन स्केल जो होती है इज यूज्ड फॉर असेसिंग द, अब ये ब्रैडन स्केल किस लिए यूज की जा रही है, किस लिए यूज की जा रही है ब्रैडन स्केल। ए है डायक्यूबिटस अल्सर के लिए, बी है डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, सी है हाइपरटेंशन, या डी है यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन। तो ये किसके लिए यूज की जा रही है, ब्रैडन स्केल किसके लिए यूज करिए। तो आप सभी ने अच्छा आंसर दे रहे हैं कि सर ब्रैडन स्केल जो होती है, याद रखिएगा ब्रैडन स्केल जो होती है ये किसके लिए यूज होती है, ये होती है डेक्यूबिटस अल्सर, या सवाल आ जाए क्या कि बैड सोर, बैड सोर भी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, या फिर बोला जाए कि बैड सोर नहीं तो प्रेशर सोर बोला जाए, तो आपको भी क्या करना है, यही करना है। तो ये जो ब्रैडन स्केल है ना, इस ब्रैडन स्केल में क्या किया जाता है, इस ब्रैडन स्केल में सेंसरी परसेप्शन चेक करेंगे। आपको कंटेंट बता दूं, सेंसरी परसेप्शन चेक करेंगे, इसको परसेप्शन हो रहा है क्या, ठीक है। साथ के साथ सेंसरी परसेप्शन के साथ साथ इसमें अपन को मॉइस्चर भी देखना है, क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर कर देता है क्या, अपने जो स्किन है उसको विड्रॉ करने लग जाएगा। तो अपन ने क्या क्या देखा, सेंसरेशन देखा, सेंसरेशन देखा, साथ के साथ मॉइस्चर देखा, मॉइस्चर के साथ साथ एक्टिविटी देखिए,
एक्टिविटी मतलब अब ज्यादातर हम सब जानते हैं ना, बेड सोर किन पेशेंट में होता है, जो कोमा वाले होंगे, बेड रिडन पेशेंट होगा उन्हीं में तो होगा ना, तो एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। तो हम सब चीज चेक करते जा रहे हैं, क्या क्या सेंसेशन देखा, मॉइस्चर देखा, एक्टिविटी देखी, मोबिलिटी देखी, एक्टिविटी के साथ साथ मोबिलिटी क्या होती है, मूवमेंट, मोबिलिटी होती है मूवमेंट। तो ये ब्रैडन स्केल के कंटेंट है गाइस, याद रख लीजिएगा, ये भूलना मत। ब्रैडन स्केल बेड सोर पे काम में आ रही है। कंटेंट अपन पूछा जाए कौन कौन सा आ सकता है, तो सेंसरी, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, इनके साथ साथ अपना क्या होगा, न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्या चीज, न्यूट्रिशन, जिनकी न्यूट्रिशन कमी हो गई उनका भी होगा। और एक लास्ट जो कंटेंट है ना, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन और शेयर, इसमें क्या होता है, रगड़ लगने वाले चांसेस कितने हो रहे हैं, तो ये अपन को बताना है, ठीक है। और बहुत अच्छा दिया है मीना जी ने कि बेड सोर के लिए पोजीशन का चेंज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई दब गई तो यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो पोजीशन को चेंज करते रहिए, कितने घंटे में, 2 आवरली चेंज करते जाइए। कंटेंट समझ में आया गाइस, अगले आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है, गैलो ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर, गैलो जो ट्रैक्शन होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। गैलो ट्रैक्शन किसके लिए यूज किया जा रहा है, ए ऑप्शन है फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर हो गया फीमर का। बी ऑप्शन हो गया यहां पर कि फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, किसका, फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर हो गया, या डी ऑप्शन हो गया फ्रैक्चर ह्यूमरस, ह्यूमरस का हो गया, या फिर हो गया फ्रैक्चर ऑफ टीबिया। तो यहां किसके लिए किया जा रहा है, यहां जल्दी आंसर दीजिए। गैलो ट्रैक्शन जो होता है, गैलो ट्रैक्शन किसके लिए यूज में लिया जा रहा है, तो यहां गैलो ट्रैक्शन, मैं आपको गैलो ट्रैक्शन दिखा दूं एक बार इमेज से, कि गैलो ट्रैक्शन होता कैसा है, गैलो ट्रैक्शन कैसा होगा, तो आप एक बार इमेज से देख लीजिए गैलो ट्रैक्शन कैसा होगा। ये देख रहे हैं आप कि इस तरीके से हमें पता हो कि ये फीमर के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, याद रखिएगा फीमर जो होती है, फीमर के लिए गैलो ट्रैक्शन को यूज किया गया। तो गैलो ट्रैक्शन को यहां क्या हुआ, गैलो ट्रैक्शन किसके लिए यूज किया जा रहा है, हमें पता है फीमर के लिए यूज किया जा रहा है। अब इस गैलो ट्रैक्शन में होता क्या है, मैं आपको एक समझा दूं, गैलो ट्रैक्शन में क्या होगा, बच्चे का जो हिप है ना, इस हिप के नीचे तो एक पिलो रख देंगे, या मतलब कोई भी सॉफ्ट सा कुशन रख देंगे। अब इस कुशन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसका जो एंगल होगा ना आपका, ये हिप और इसके लेग्स का एंगल जो होगा, ये लगभग 90 डिग्री पे रखना है अपन को, क्या रखना है, 90 डिग्री पे। और एक नेक यहाँ पे वेट जो है ना, वेट लगा दिया, मान लीजिए वेट कितना, 6 ईयर का बच्चा है तो अपन ने वेट 12 kg का वेट लगा दिया। और मेन बात अपन को क्या याद रखनी है, मेन बात ये याद रखनी है, जब मोबिलाइजेशन हो ना बच्चे का, मोबाइल करें अपन, इधर से उधर लेके जाएं बच्चे को, तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ बच्चे का मूवमेंट जो दे रहे हैं उसके साथ साथ ये जो चीज है ना, ये ट्रैक्शन वाली चीज, ये हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हट गई तो बोन का जो कनेक्शन आप बिठा रहे हो ना बोन को स्ट्रेट में, वो बोन का कनेक्शन हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टेबलाइज रखिएगा, स्टेबलाइज करके ही रखना है अपन को, ठीक है। हो सके तो बेड समेत ही पेशेंट को शिफ्ट करिए, ठीक है। तो अपन को यहाँ क्या करिएगा, यहाँ अपन को ऑप्शन कौन सा सही हुआ, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है हमारा, याद रखिएगा, फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर, बी ऑप्शन, क्या, फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर, फीमर जो होती है उसके नेक का फ्रैक्चर हो गया, तो ये वाला अपन को करना है, ठीक है, ये वाला अपन को करना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इमेजिन कीजिएगा बाय चांस इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो अपन को क्या करना है, ठीक है, तो ये याद इस तरीके से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू अ पेशेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू, आप जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं ब्लड पेशेंट को तो ये क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है, एडमिनिस्टर करें ईच यूनिट विद इन अ 6 आवर पीरियड, मतलब 6 घंटे के टाइम में अपन को इसको एडमिनिस्टर करना है। दूसरा ऑप्शन है यूज अ वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप, वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाए, या फिर अपन बोल सकते हैं रन द ब्लड एट अ स्लो रेट ड्यूरिंग द
फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स या फिर अपन इसको रन करें 5 से 10 मिनट के स्मॉल टाइम में, ये अपन बोल सकते हैं ड्रॉ ब्लड सैंपल फ्रॉम द पेशेंट इमिजिएटली आफ्टर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज। हर यूनिट ट्रांसफ्यूज होने के बाद करें या क्या करें, आप लोगों का आंसर आ रहा है जी बहुत अच्छे, आप लोगों का आंसर आ रहा है कि यहां अपन को क्या करना है या हम लोगों को करना है, अगर कोई पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्टर करवाते हैं तो उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फिक्स चीजें होती हैं, उनको फॉलो कीजिएगा आप, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत रिस्की काम हो जाता है, तो आपको यही याद होना चाहिए कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या, ये समझिएगा, जिन पेशेंट्स के अंदर, मैं आपको एक बार समझा देता हूं, जिन पेशेंट्स के अंदर क्या हुआ, ब्लड की कमी हुई, उनमें अपन ने क्या किया, ब्लड को दिया, ब्लड जो है वो अलग अलग लेवल के हिसाब से अपन ने बनाया, कैसे, किसी के अंदर कोगुलेशन की कमी हो रही है प्लेटलेट्स दे दीजिए, किसी के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है अपन ने क्या दिया प्लाज्मा दे दिया, सबके अपने अपने कंडीशन से अपन ने अलग अलग किया। यहां अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, अपन को मेडिकेट लगाना है, अप्रोप्रिएट मेडिकेट लगाना है जिससे कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाए 18 गॉज का, ये लगा दिया। लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस ब्लड को वेरीफाई करवाना है दो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से वेरीफाई करेंगे, क्या पता गलत हो जाए, गलत पेशेंट को चढ़ जाए, ये करके चलना है। दूसरी बात आपको क्या करना है, उसके टेम्परेचर बीपी टीपीआर पूरा ले लीजिए, टेम्परेचर वेम्परेचर सब ले लिया, लेने के बाद अपन को क्या करना है, अपन को ब्लड चालू कर दीजिए, ठीक है। और ये ब्लड को चालू जो कर रहे हैं, इसके अंदर जो फिल्टर लग रहा है ना, फिल्टर लगाना जरूरी है, फिल्टर का कितना, 40 UM का फिल्टर होना चाहिए, कितने यूएम का, 40 UM का फिल्टर होना चाहिए, ये लगाइए, क्योंकि इसमें क्या होता है कई बार क्लॉट्स आ गए या कुछ भी आ गया तो अपन उसको रोक सकेंगे, ये रुक गया। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, ब्लड सुन लीजिएगा, ब्लड का एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमें ये पता हो कि ब्लड के बारे में अपन को पता हो कि सर ब्लड अपन 18 यूनिट गॉज का वो लगाया, 40 का फिल्टर लगाया, हमने ब्लड को स्टार्ट किया। अब यहाँ लगाने के बाद, यहाँ लगाने के बाद क्या होता है, ब्लड को धीरे धीरे अपन को इन्फ्यूज करना है। इन्फ्यूज कितना, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर कितना यूनिट चढ़ जाए, कितना एमएल चढ़ जाए, 50 ml तक ही जाना है चाहिए, ठीक है। कि बाई चांस कभी ऐसे गड़बड़ी हो गई कि है ना रिएक्शन बैठ गया, है ना, होता है ना रिएक्शन, रॉन्ग रिएक्शन बैठ गया, तो यहाँ रिएक्शन में क्या होगा, आपको ये पता हो रिएक्शन बैठ गया तो आपको क्या करना है, इसको प्रायोरिटी में ब्लड को बंद करना है, बंद करके उसको एनएस जो है एनएस इसको ओपन रेट में देनी है, एनएस देनी है और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ये याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप होता है अगर बंद करने का, ठीक है। तो यहाँ 18 नंबर का यूज कर दिया है जी, तो यहाँ अपन ने क्या किया, 50 ml दीजिए, 5 से 10 मिनट तक स्लो रेट दीजिए, कोई भी रिएक्शन होगा पहले ही पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी कह सकते हैं और बहुत अपना आईक्यू को चेक करने वाला क्वेश्चन भी कह सकते हैं। When two layers of cloth of equal thickness provide warmer covering than single layer of cloth with double thickness, यहां क्या बोला गया है कि अगर एक ऐसा क्लोथ है जिसके अंदर दो लेयर है सेम सेम थिकनेस की, वो ज्यादा गर्मी देता है किससे, कि एक सिंगल लेयर वाला क्लोथ है जिसके अंदर उस उसके बराबर एक ही लेयर हो, तो ये क्या होने वाला है। यहाँ क्या बताया गया कि या तो एक ऐसे वाली लेयर है भाई, एक एक सिंगल लेयर के बना रखा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक बड़ी सारी लेयर वाला ही है, सेम लेयर वाला, तो कौन ज्यादा गर्मी देगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो याद रखिएगा कौन सा देने वाला है। यहाँ ए, सिंस इफेक्टिव थिकनेस ऑफ टू लेयर्स इज इक्वल इज मोर, बी है बिकॉज ऑफ द एयर एनकैप्सुलेटेड बिटवीन द टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में एयर इनकैप्सुलेटेड हो गई, या सी है बिकॉज इट प्रिवेंट एनकैप्सुलेटेड ऑफ कोल्ड एयर इन बिटवीन, कोल्ड एयर के इनकैप्सुलेटेड की वजह से, या बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज ऑफ द वेट डिफरेंस ऑफ द फैब्रिक मटीरियल, फैब्रिक मटीरियल के डिफरेंस की वजह से। तो क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग, यहां आंसर जो मिल रहा है, यहां आंसर क्या मिल रहा है कि यहां आंसर अपन को बताया जा रहा है कि जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या, बिकॉज ऑफ द एयर एनकैप्सुलेटेड बिटवीन द टू लेयर्स, यहां क्या बताया गया, दो लेयर्स हैं, ठीक है, दो लेयर्स के बीच में जो एयर फंसी हुई है, एयर है ना, वो काम क्या करती है, वो एयर एक तरह से इंसुलेटर क्या काम करेगी, इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या चीज होती है गाइस, इंसुलेटर होती है जो कंडक्शन ना करवा सके,
ऐसे हम समझते हैं ना कि लकड़ी जो होती है वो इंसुलेटर है, एक तरह से दूसरी बिजली को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा, सेम सेम पतली पतली लेयर की दो बनाएंगे ना, दो लेयर्स को एक साथ रखेंगे तो वो ज्यादा गर्मी देगी जैसे कि एक लेयर की बजाय। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, इंसुलेटर की तरह काम कर रही है और ये लेयर्स अपन को मदद कर रही है आगे बढ़ने में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग है, तो यहाँ है 42 days। याद रखिएगा, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट द डेट टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट द पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर्ड अप। यहाँ क्या हुआ, नर्स ने क्या किया, कलेक्ट किया आरबीसी का जो पैकेट होता है, पीआरबीसी का पैकेट हुआ। अब इस पैकेट को कलेक्ट करने के बाद नर्स कितने टाइम तक अवेयर रहेगी, इस पैकेट को अपन कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ए दिया गया है 35 days, बी दिया है 42 days, सी दिया है 45 days, डी दिया है 55 days। तो कितना कर सकते हैं, कितने दिन तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ अपन को एक पूरा एक रेंज पता हो। रेंज क्या पता हो कि सर इतने दिन से इतने दिन के बीच में अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या यहाँ एक ऑप्शन दिए गए हैं, ए 35, बी 42, सी 45 और डी जो दिया गया है 55 days। तो आप याद रखिएगा क्या कि हमारे पास कोई ब्लड का कोई खदान नहीं है अपने पास कि हम सोचे कि ब्लड को लिया और अपन ने इसको 35 दिनों में फेंक दिया। नहीं, हम चाहते हैं ये मैक्सिमम डेज तक रहे। कितने डेज तक रहे, मैक्सिमम जो डेज होते हैं वहां तक रहे। तो यहाँ याद रखिएगा, पीआरबीसी हो या अपना होल ब्लड हो, इनका रखने का टाइम जो होता है ना 35 से 42 days, 35 से 42 days तक रखते हैं। तो ये याद रखिएगा, और जब ऑप्शन दिया जाए, दोनों ऑप्शन आ गए 35 और 42, तो आप याद रखिएगा आपके पास खून की कमी है और उस खून की कमी को क्या करना है अपन को, किस बचा के तो रखना है ना। तो अपन ऐसा नहीं हो 35 दिन होते ही फेंक दें, 42 दिन तक वो सही रह सकता है, 35 से 42 दिन तक सही रह सकता है। तो आप ज्यादातर ऑप्शन क्या यूज कीजिएगा, 42 वाला ऑप्शन यूज कर लीजिएगा, क्योंकि 42 में, क्योंकि अपन को मैक्सिमम इसको 42 डेज तक रख सकते हैं। तो अपन इसको क्या करें, संभाल के रखेंगे। और इसका जो टेम्परेचर होता है ना, किस टेम्परेचर पे अपन इसको रखते हैं, तो जल्दी से टेम्परेचर बताइए, कौन बताएगा टेम्परेचर, कौन बताने वाला है कि इसका पीआरबीसी को अपन जो रखते हैं ना वो कितने टेम्परेचर पे रख रहे हैं। पूजा जी बोल रही है बुक में तो 35 डेज दिया हुआ है, बट यहाँ अपनी जो करंट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से 35 से 42 डेज बताया गया है ना। ठीक है, रितु जी बोल रही है सर मैं तो 55 दिन रख दूं। नहीं, 55 दिन नहीं रखना, ये खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही अब आंसर दिए जा रहे हैं कि अपन को इसको कितने डिग्री तक रखना होता है कि सर ब्लड जो है ना, ब्लड को अपन 35 से 40 इतने दिन तक रख रहे हैं, तो अपन इसको कितने रखें। तो आप याद रखिएगा इसको कितने डिग्री, इसको 6 डिग्री सेल्सियस जो होता है उतने पे रख देते हैं, कि कितना 6 डिग्री सेल्सियस तक पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलें, अगला है गैस्ट्रिक लवाज शुड नॉट बी डन। अब गैस्ट्रिक लवाज जो होता है ना, गैस्ट्रिक लवाज शुड नॉट बी डन, यहाँ हमें एक क्वेश्चन आया उपेंद्र जी का, सर पैक सेल्स आरबीसी मीन्स आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं ना, मान लीजिए किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो अपन ने क्या किया, आरबीसी जो होती है उन्हीं को ही ले लिया, ना कि अपन ने पूरे कंटेंट को, प्लाज्मा उसको लिया, अपने प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी इनको नहीं लिया, अपने सिर्फ आरबीसी को लिया। ठीक है, तो ये होता है आरबीसी का, आरबीसी सिर्फ आरबीसी छांट के निकालें तो पीआरबीसी बन जाती है। यहाँ ऑप्शन क्या गया, गैस्ट्रिक लवाज शुड नॉट बी डन इन, गैस्ट्रिक लवाज किन में ना करें अपन लोग। ए है एंटी साइकोटिक ड्रग पॉइजनिंग, ठीक है, बी है कोरोसिव पॉइजनिंग, सी है ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग, डी है ऑर्गेनो क्लोरीन पॉइजनिंग। हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है। पहले तो ये समझिएगा, गैस्ट्रिक लवाज और गवाज दो शब्द आएंगे, गैस्ट्रिक
लवाज और एक आता है गवाज, ठीक है। गैस्ट्रिक लवाज तो क्या होता है, गैस्ट्रिक लवाज होता है कि आपकी बॉडी में से, आपके स्टमक में से क्या हुआ, आपने सारा कंटेंट बाहर निकाल दिया। एक पेशेंट है, उसकी बॉडी का कंटेंट, बॉडी का कंटेंट मतलब वो स्टमक का कंटेंट जो है वो सारा बाहर निकाला, ये तो होता है लवाज। मैंने ऐसे याद किया था कि लवाज क्या होता है, लवाज होता है कि ला दे, तो अपन पेशेंट से क्या ले रहे हैं, स्टमक कंटेंट ले रहे हैं ला, और गवाज मतलब गया, गवाज मतलब गया, तो अपन ने क्या किया, अगर आप न्यूट्रिएंट्स को दे रहे हो तो वो कहेंगे गवाज, कोई भी फ्लूइड या फ्लूड दे रहे तो उसको कहेंगे गवाज। तो याद रखिएगा क्या चीज, कि गैस्ट्रिक लवाज के अंदर अपन को कोरोजिव पॉइजनिंग वाली चीजें जो होती है, कोरोजिव पॉइजनिंग वाली, वो अपन को लवाज नहीं करनी। क्या नहीं करनी, कि कोरोजिव पॉइजनिंग जो होती है, ठीक है, लवाज मतलब लेना निकालना, सही बताया गया है। अब यहां अपन ने क्या किया, लवाज अगर अपन कर रहे हैं किसका, कोरोजिव जला देने वाली चीजों को अपन लवाज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, भाई एक बार तो उसने पिया, पीते ही क्या हुआ, पूरा ट्रैक, जीआई का ट्रैक वो जल गया, ठीक है। अब यहां हमने क्या किया, हमें उसको बचाना था, हमने उसको वॉमिट करवा दिया, वॉमिट करवाया, गवाज करवाया, तो लवाज करवाया, तो वो वापस उसके जीआई ट्रैक से होते हुए निकल गया, तो ये क्या हुआ, पूरा नुकसान दे देगा, पूरे उसके जीआई ट्रैक को जला देगा, ये रीजन है इसका, ठीक है। कि एक बार जब पिया था तब डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, अब वापस ये निकल रहा है तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हमें क्या करना है, कोरोजिव होते हैं, कोरोजिव जैसे कि एसिड एल्कलीन होते हैं ना, एसिड आपका क्या करता है, जला देता है, तो आपने अगर एसिड ले लिया और लेने के बाद अपन दोबारा निकालेंगे तो ये क्या करेगा, ये नुकसान पहुंचा देगा। तो आपको एक चीज दिखाई गई थी, पहले भी दिखा दी गई थी, कि इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बंदा जो है ये काम क्या कर रहा है, ये एक ट्यूब डाली है, इस ट्यूब से क्या कर रहा है, पूरा ड्रेन आउट कर रहा है जो, ठीक है, ड्रेन आउट कर रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, द फिजिकल एक्टिविटीज व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। यहाँ क्या बताया गया, फिजिकल एक्टिविटीज व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, डेली लिविंग के लिए आप एक्टिविटी कर रहे हो तो इसको कौन सी एक्टिविटी बोलने वाला है, ए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, अंकित अंकित श्रीवास्तव जी बोला कोरोजिव पॉइजनिंग क्या होती है, कोरोजिव होते हैं एसिड एल्कलाइन का पी जाना, एसिड और एल्कलाइन क्या, जो आपके एक सरफेस को खत्म करते हैं उसको कहते हैं कोरोजिव। यहाँ हुआ अगला, ठीक है, आइसोकाइनेटिक, ए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज बोलेंगे, बी है आइसोटोनिक एक्सरसाइज बोलेंगे, सी आइसोमेट्रिक कहेंगे, या डी कहेंगे एंड्यूरेंस एक्सरसाइज। तो यहाँ अपन क्या कहने वाले हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मतलब आप वॉक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये सारे अपने क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अपने, कौन सा आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा देने वाले हैं। यहाँ शब्द याद रखिएगा गाइस, यहाँ पूछा गया है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मतलब मूवमेंट दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या क्या देखना है, यहाँ आप लोगों ने जैसे ये बताया कि सर सी को कंफर्म कर दीजिए, रितु जी बोल रहे हैं सी को कंफर्म कर दीजिए, सी को कंफर्म नहीं करेंगे अपन, सी कंफर्म जो करने वाले हैं वो बी को करने वाले हैं, किसको करने वाले हैं, बी को करने वाले हैं, तो बी को करना है अपन को कंफर्म, ठीक है। जिन जिन्होंने बी को दिया है वो बिल्कुल सही दिया। आप समझ लीजिए इसको क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में क्या हो रहा है, हमें आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मसल्स का क्या हो रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साथ के साथ रिलैक्स हो रही है मसल्स, और ये एक्सरसाइज में आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट भी होगा, क्या होगा, मूवमेंट। तो याद रखिएगा आइसोटोनिक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, साथ के साथ मूवमेंट होता है, तो हमें ये भी तो पता हो कि यहाँ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में क्या हो रहा है, डेली लिविंग में आपका मूवमेंट भी तो होता है, या फिर एक ही जगह बैठ जाते हैं, नहीं ना, तो यहाँ क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। अगला जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज समझाता हूँ, आइसोमेट्रिक में भी क्या हुआ, आइसोमेट्रिक में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का हुआ, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का हुआ, बट यहाँ एक चीज नहीं हुई, वो है मूवमेंट नहीं हुआ गाइस, मूवमेंट नहीं हुआ।
अब आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्ट्रेस कैसे आया, कैसे आएगा बिना मूवमेंट के, कैसे आएगा? आपने क्या समझा भाई ये बोर्ड है इसको मेरे को धक्का देना है, तो आप धक्का दे रहे हो ना, तो यहाँ क्या हो रहा है आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और आप बिना मूवमेंट के एक चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ आप याद रखिएगा, यहाँ मूवमेंट नहीं हुआ, खड़े खड़े अपन ने मसल्स के ऊपर स्ट्रेस दे दिया, तो ये हो गया आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज? आइसोमेट्रिक। समझ में आ रहा है? यहां तो आइसोटोनिक में क्या हुआ, मूवमेंट हो गया, बढ़िया जी मूवमेंट हो गया, यहाँ आइसोटोनिक में मूवमेंट हो गया, यहाँ मैट्रिक में मूवमेंट नहीं हो, बट हमने एक धक्का देने वाली एक्सरसाइज कर दी, ठीक है कर दिया। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में, काइनेटिक बोलते हैं ना, काइनेटिक क्या होती है भाई, मूवमेंट को कहते हैं ना काइनेटिक, बट यहाँ मूवमेंट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलेगा, बट यहाँ एक चीज होगी, यहाँ जॉइंट का मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट? जॉइंट मूवमेंट, रेगुलर वेलोसिटी के साथ जॉइंट का मूवमेंट, रेगुलर वेलोसिटी के साथ। कैसे भाई? डंबल्स उठाते हैं, ठीक है डंबल्स उठाते हैं, तो एक एक्सरसाइज को यू करते हैं और वापस यू कर देते, तो आपको क्या हुआ, एक रिदम के साथ आपने मूवमेंट दिया और जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। आइसोकाइनेटिक पे डाल दीजिए कि आइसोकाइनेटिक क्या होता है, ठीक है? यहां अपन को कहता हो आइसोकाइनेटिक क्या होगा, आपके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का हो रहा है बट जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है एक वेलोसिटी के साथ, जैसे कि एक्सरसाइज होती है, ठीक है? जैसे कि एक्सरसाइज होती है, मैं आपको भी बता दूं, जैसे फिजा अहमद जी ने बोला है कि टाइम जो है 12 बजे का टाइम है, आप सभी को 12 बजे आना चाहिए, 12 बजे आइए ज्यादा से ज्यादा और जुड़िए, ठीक है? हर क्लास जो है हमारी 12 बजे से चालू हो रही है, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ, आइसोकाइनेटिक में क्या हुआ, जॉइंट्स का मूवमेंट, आइसोटोनिक में हुआ मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन विद मूवमेंट, इसमें क्या हुआ, आइसोमेट्रिक में विदाउट मूवमेंट हुआ। एंड्यूरेंस वाली एक्सरसाइज क्या होती है, एंड्यूरेंस वाली एक्सरसाइज क्या होती है, आपको याद रखना एंड्यूरेंस क्या होता है, कि हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं बट हमें हमारा स्टेमिना बढ़ाना है। जैसे कि एक वॉक करने वाला है, वॉक करने वाला क्या करेगा, भागेगा, तेज भागेगा, तो वो क्या कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। ये एक्सरसाइज वही होती है जो कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है। क्लियर सबको? क्लियर कि क्या क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, Which crutch gait should be taught to a patient wearing prosthesis after single leg amputation? यहां क्या बोला गया कि ये चीज बताई गई है कि एक prosthesis लगाया गया है, एक इंसान है जिसका पैर काटा गया, वन लेग का amputation हो गया है, जी गाइज ठीक है, amputation हो गया, यहां अपन को क्या करना है, amputation हो गया, अब उसको कौन सा crutches दें, अपन crutches कौन सा देने वाले हैं, ए है tripod, बी है 4-point crutches, सी है 3-point या डी है स्विंग थ्रू। तो कौन सा देने वाले हैं अपन लोग, कि एक पैर का एम्पुटेशन हो गया है, स्टार्टिंग जो कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर बोल रहे हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सर, कंफ्यूजिंग नहीं है, हम करेंगे, ठीक है? यहां ये चीज समझिएगा, एक तो प्रोस्थेसिस क्या होता है, प्रोस्थेसिस होता है कि कोई भी एक आर्टिफिशियल पार्ट, आपके एक बॉडी का पार्ट हट गया, उसकी जगह आर्टिफिशियल पार्ट लगाना, इसको प्रोस्थेसिस कहेंगे। एम्पुटेशन होता है उस पार्ट को रिमूव करने वाले प्रोसीजर को एम्पुटेशन कहा जाता है, ठीक है? क्रचेस कहा जाता है, क्रचेस किसे कहा जाता है, सहारा जो होता है उसको क्रचेस कहा जाता है। क्रचेस के बाद गेट कहा जाता है, गेट क्या होता है, आपका बैलेंस करना, किस तरीके से आप स्टैंड करते हो, किस तरीके से आपका पोस्चर है, इसको कहा जाता है गेट। तो याद रखिएगा, इमेज दिखाता हूं आपको, ये है इमेज। यहां क्या किया गया कि आप इमेजिन कीजिए कि जो ये पेशेंट है, इस पेशेंट का पैर का एम्पुटेशन हो गया, ठीक है, पैर का एम्पुटेशन हो गया, तो आपको क्या करना है, ये जो सीक्वेंस दिखाया गया है ना गाइस, ये सीक्वेंस कौन सा है, ये सीक्वेंस को कहा जाता है 4-point gait। क्या 4-point gait? 4-point gait मतलब कि इसके पास एक पैर कट गया ना, दो तो ये हो गए और दो उसके क्रचेस हो गए, तो अगर एक पॉइंट कट गया तो एक पॉइंट कटने से क्या होगा कि कम से कम तीन तो है ना, तो याद रखिएगा क्या चीज, तो ये पूरा जो सीक्वेंस है, स्टार्टिंग जो होती है एम्पुटेशन की, वो एम्पुटेशन किन के जरिए होती है, इनके जरिए, दो क्रचेस के जरिए, तो इनको कहा जाएगा क्या, कि पूरे सीक्वेंस को कहा जाएगा 4-point gait, ठीक है? क्या कहा जाएगा? 4-point gait। तो ये कैसा हुआ, तो आंसर कौन सा सही करें, आंसर कौन सा सही करना है हमें, जल्दी से बताइए।
यहां आंसर अपन को सही करना है, आंसर कौन सा? बी वाला आंसर बिल्कुल सही करना है। बी ऑप्शन आंसर क्या? 4-point gate। अपन को ये मत सोची कि उसके पैर कितने हैं और उसकी क्रचेस कितनी है, हमें ये देखना है दोनों क्रचेस आ गई और पैर का, तो ये कहलाएगा 4-point gate। ठीक है, 4 point। ठीक है, तो बी अपना लॉक किया, सही हुआ। ठीक है, यहां अपन को जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, डायग्राम आपको दो लेग्स का बताया गया, बट क्वेश्चन के हिसाब से एम्पुटेट किया गया है, तो 4-point gate अपना क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाता है, मतलब क्वेश्चन बनते हैं यहां। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक इन्फेंट है, एन इन्फेंट डायग्नोज विद अ मेनिनजाइटिस इज रिसीविंग एम्पिसिलिन। एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, उसको मेनिनजाइटिस हो गया है, अब उस बच्चे को क्या करना है, अपन को क्या देना है, 70 एम्पिसिलिन देना है, 75 mg देना है आईवी एवरेज 6 आवर, 75 mg देना है, हर 6 घंटे में देना है। ठीक है, नरिन जी बोल रहे हैं कि रिसर्च के एमसीक्यूज करवाइए। जी रिसर्च के करवाएंगे, आप अभी तो इस पे फोकस कीजिए, सारे एक एक बार करवा रहे हैं अपन। यहाँ क्या बताया गया, 75 mg आईवी दे रहे हैं एवरेज 6 आवरली व्हेन रिकंस्टिट्यूटिंग विद स्ट्राइल सेलाइन द वाइल कंटेन्स। अब जो वाइल आती है ना, वो वाइल कंटेन कितनी, 125 mg पर 1.2 ml। द नर्स शुड बी एडमिनिस्टर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द करेक्ट डोजेस। कितना अमाउंट अपन को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ अपन को मेन बात क्या है, हमें ऑप्शन दिए गए कि ए 0.60, 0.272 ml, 0.84 और 1 ml। तो आप याद रखिएगा हर चीज का इसमें क्या फॉर्मूला है, ठीक है, हर चीज का एक फॉर्मूला बताया गया है, कितना कितना फॉर्मूला होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कईयों ने तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर लिया कि सर इसका ये आंसर होने वाला है, तो हमें याद रखना है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, कि फॉर्मूला ये है डिजायर्ड स्ट्रेंथ अपॉन अवेलेबल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा गाइस, जब भी एक दवाई के बारे में पूछा जा रहा है ना कि कितना कितना होगा, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला उठा के रखिएगा। डिजायर्ड स्ट्रेंथ तो क्या होती है, आपको कितनी चाहिए, अवेलेबल आपके पास कंपनी में कितनी अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ क्या किया, हमार को डिजायर तो सर इतनी होती है, डिजायर 75 mg की हो रही है। ठीक है, 75 की हो गई, हमें जरूरत, हमारे पास अवेलेबल कितना हो रहा है ये हमें पता हो, तो अवेलेबल अपन को पास कितना है, 125 mg। बट ये जो mg है ना, ये mg याद रखिएगा, आगे 1 ml नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां अपन डिवाइड करते हैं ना 1.2 ml से, तो आपको कैसे, 75 upon 125 into 1.2। तो इस तरीके से फॉर्मूला इस तरीके से बनता चला जाएगा। जी बी सही है, बट मेरे को एक बार ये समझाना जरूरी, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत चेंजेस आ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत अलग अलग आ सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा 75 125, तो ये कंटेंट को तो डिवाइड करके हमने पर ml का निकाल लिया। पर ml के लिए फॉर्मूला देखिएगा, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। अब ये जो है ना, यहाँ क्या हुआ, अपन को ये देखना है 75 into 125, तो ये बैठेगा लगभग 900 और ये 1200, तो ये 1250, तो ये बैठ गया कितना, ये बैठ जाएगा अपना 0.72 ml। तो याद रखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या, बी आंसर जो 0.72 ml आने वाला है। फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला एक और है, दो फॉर्मूले याद रखने जरूरी है गाइस, क्वेश्चन आएंगे पंडा के, तो ये दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आपको डिजायर्ड अपॉन अवेलेबल, डिजायर्ड में डालिए कितना आपको जरूरत है, अवेलेबल आपके पास कितना सॉल्यूशन है, तो उसमें से मिल जाएगा आपको फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, व्हाट इज द रिकमेंडेटेड फ्लो रेट ऑफ द ऑक्सीजन वाया नेजल कैन्यूला। अब नेजल कैन्यूला जो है, ठीक है, नेजल कैन्यूला जो है, इसके अंदर ऑक्सीजन की फ्लो रेट कितनी होने वाली है, याद करने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला नहीं, बेन क्वेश्चन याद करने वाला। तो अपन को क्या करना है, ये याद रखिएगा, ए ऑप्शन 1 से 4 liter per minute, बी ऑप्शन 1 से 6 liter per minute, सी ऑप्शन है 4 से 6 liter per minute,
और डी ऑप्शन कितना है, 6 से 8 लीटर पर मिनट। तो कितना ऑप्शन आ रहे हैं यहां, अपन को क्या पता हो? यहां अपन को बहुत आंसर्स आ रहे हैं, बट मैंने ये देखा है कि क्या आंसरों में दिक्कत आ रही है, कोई ए की तरफ है, कोई बी की तरफ है। तो यहां अपन को एक चीज समझ में आए कि क्या चीज, कि हमें ये पता हो नेजल कैन्यूला जो नाक में लगाया जाएगा, जिस तरीके से लगाया जाएगा नेजल कैन्यूला, इसका क्या होगा, इसका जो फ्लो रेट होता है ये होता है 1 से 6 लीटर। कितना, आपको मैं एक सीक्वेंस बता देता हूं कौन कौन से का कितना फ्लो रेट होगा, आप फटाफट याद कर लीजिए। नेजल कैनुला जो होता है, नेजल कैनुला इसका कितना होता है, 1 से 6, ठीक है, याद रखिएगा कितना, 1 से 6 लीटर का इसका फ्लो रेट होगा। और साथ के साथ इसका जो होता है अमाउंट कितना FiO2 दे रहा है, 24 से 44 की FiO2 दे रहा है। तो ये तो एक तो ये चीज याद रखिए, नेजल का 1 से 6 लीटर और FiO2 का कितना हो रहा है, 24 से 44 का FiO2 हो रहा है। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन यही नहीं आएगा, आपको क्या करना है, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सर यहाँ जैसे कि बोला गया कि सर इतने का तो ठीक है, अब यहाँ हमें एक चीज याद रखी नहीं है, एक सर फेस मास्क भी होता है, कौन सा मास्क, फेस मास्क, ठीक है। अब ये फेस मास्क का कितना होने वाला है ये हमें याद रखना है। तो फेस मास्क का क्या, कि फेस मास्क में 6 से 10 लीटर तक निकलता है ऑक्सीजन, कितना, 6 से 10 लीटर तक ऑक्सीजन है, और इसकी FiO2 पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 40 से 60 की FiO2 होती है। कितनी होती है, 40 से 60 तक की FiO2 होती है, ठीक है। तो यहां अपन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीट प्रोडक्शन, कौन सा फैक्टर है जो हीट प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। तो यहाँ क्या बताया गया, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीट प्रोडक्शन आर ए ऑप्शन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड है, बी एंजाइटी एंड नर्वसनेस है, सी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, या डी है यूज ऑफ द नारकोटिक ड्रग्स। तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए कि यहाँ पूछा क्या गया है, हीट के प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कि सर हीट का प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, तो हीट के प्रोडक्शन में क्या, कि कौन सी चीज मदद कर रही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, आपकी बॉडी में कितना हीट प्रोड्यूस हो रही है और कितनी लॉस हो रही है, इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, मेन चीज आप याद रखिएगा, क्या, लाइक करना, लाइक करना आप भूल जाते हैं बार बार, लाइक करिए गाइस, लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपका प्यार डायरेक्टली लाइक के जरिए हमारे पास आता है, तो लाइक करते जाइए, ठीक है। यहाँ पूछा गया क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से मिलती है एनर्जी, जी मिलती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से, हीट मिलती है, प्रोड्यूस होती है, एंजाइटी और नर्वसनेस से होती है, एंजाइटी और नर्वसनेस से होती है ये भी, क्योंकि हॉर्मोन्स जो होते हैं, हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन से भी क्या होगा, मिलेगी। सी है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से मिलती है, हाँ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी मिलती है, किससे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी मिलती है। अब ये यहाँ पूछा गया यूज ऑफ द नारकोटिक्स ड्रग्स, नारकोटिक्स ड्रग्स जो होती है ना, एक चीज बताऊं, नारकोटिक्स ड्रग्स क्या करती है, आपको बिल्कुल ठंडा कर देगी नारकोटिक्स ड्रग्स। एक बार देखा है अपने ड्रग्स का जो नशा करते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, और आप रिलैक्स हो गए तो हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे तो आप हीट प्रोड्यूस होगी। तो याद रखिएगा नारकोटिक्स बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। यहाँ आंसर कौन सा सही हुआ, आंसर ए सही हो गया, ABC, ABC से क्या हुआ, तीनों काम हो रहे हैं, हीट प्रोड्यूस होने के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ अपन ने ABC को क्लियर कर दिया, ठीक है, ABC को क्लियर कर दिया, ठीक है, समझ में आया, चले आगे। वॉट इज द वाइडली यूज मेथड टू कंफर्म द पोजिशन ऑफ द एनजी ट्यूब आफ्टर इंसर्शन, कौन सा वाइडली यूज मेथड है, ठीक है, वाइडली यूज मेथड कौन सा होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एनजी ट्यूब की पोजिशन को देखा जाता है, बिल्कुल फिक्स अपन कंफर्म कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताऊं, रिपीट होता रहता है, हर क्वेश्चन में रिपीट, हर पेपर में रिपीट होता है। तो आप याद रखिएगा, एम्स कोई बहुत सारे सारे टफ क्वेश्चन नहीं डाल देगा,
यहाँ क्वेश्चन क्या होंगे, एक लेवल के होंगे कि सर यहाँ टफ भी हो गए सिंपल भी हो गए, तो अपन को सिंपल को मेन को याद करते जाइए। तो यहाँ क्या हुआ, बाय डिपिंग ऑफ ट्यूब टिप ऑफ द ट्यूब इन द बाउल ऑफ द वाटर, बी है पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टेटिंग, सी है एक्सरे, या डी है नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होना चाहिए जी, यहाँ आंसर बिल्कुल अपन सही बता रहे हैं कि क्या हमें क्या देखना है, हमें पता हो एनजी ट्यूब क्या होती है, एनजी ट्यूब होती है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब मतलब गैस्ट्रिक गवाज करना है ना, आपको गवाज करना है तो आपको ट्यूब डालनी पड़ेगी। अब ये ट्यूब डालने के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं कि सर ट्यूब को नापते कैसे हैं, मेजर करते कैसे हैं, तो आप याद रखिए मेजर कैसे करते हैं, नोज टू ईयर लोब, ईयर टू जिफॉइड, ये याद रखिएगा, क्या नोज टू ईयर लोब, नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब टू जिफॉइड, जिफी स्टर्नम, जिफॉइड तक पहुंचा दिया, ऐसे तो नापिए, ठीक है नाप लिया। नापने के बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं ना कि सर इसका पोजीशन कैसे होगी इंसर्ट करते हुए, मेन क्वेश्चन ये वाले बनते हैं, तो इंसर्ट करते हुए आप याद रखिएगा हाई फाउलर पोजीशन रखनी है अपन को पेशेंट की, क्या हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर, और इसमें हेड जो होगा वो फ्लेक्स्ड होगा, आगे की तरफ झुका हुआ हेड होगा, और इसी तरीके से आपको इंसर्ट करनी है। और अपन को यहाँ क्या करना है, यहां इसकी जो पहली अगर आपने डाल दी तो इसके बाद आपको कैसे कंफर्म होगा, कंफर्म पहला तरीका तो मेन कंफर्मेटरी तो एक्सरे होता है। एक्सरे में कैसे दिखती है, मैं आपको दिखाता हूं कि एक्सरे में किस तरीके से दिखेगी, देखिए एक्सरे ये है ठीक है, इस एक्सरे में किस तरीके से दिख रही है आपको, ये ट्यूब दिख रही है, ये वाली ट्यूब, ये एनजी ट्यूब है, ये एनजी ट्यूब डायरेक्टली अंदर जा रही है ठीक है। तो एक्सरे कंफर्मेटिव टेस्ट है ठीक है, एक्सरे क्या हुआ, पहला टेस्ट कंफर्मेटरी हो गया, दूसरे में साथ के साथ अपन को इसको चेक करना है ना, इसमें अपन को चेक करना है कि सर ये सही जगह गई है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पहला इसके साथ इसका कंटेंट जो है ना अंदर का कंटेंट, क्योंकि एनजी ट्यूब है गैस्ट्रिक कंटेंट आना चाहिए, तो गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायर कर लीजिए ठीक है, निकालिए बाहर, खींच कर बाहर निकालिए, तो गैस्ट्रिक कंटेंट की पीएच भी देख लीजिए, गैस्ट्रिक कंटेंट की पीएच कितनी, कि यहाँ हमने देख लिया कि पीएच इसके लगभग जो होनी चाहिए ना, लगभग 3.5 के समथिंग इनकी पीएच बना के चलिए, 3.5 का इसका पीएच मेंटेन करके चले। एक्सरे कर दिया, गैस्ट्रिक कंटेंट कर दिया, एक और इसका कंफर्म टेस्ट होता है, क्या करते हैं अपन, 5 सीसी, 5 सीसी मतलब 5 ml की होती है ना, 5 ml क्या करना है, 5 ml अपन को एयर को अंदर देना है, एनजी ट्यूब में देना है, और स्टेथोस्कोप से साउंड को सुनना है कि साउंड कौन सा आ रहा है ठीक है। तो यहाँ अपन को ये करना है ठीक है, ये हो गया अपना क्या कि एनजी ट्यूब के बारे में, कि एनजी ट्यूब का कंफर्मेटरी तो है एक्सरे से ही कंफर्म कर सकेंगे ठीक है, एक्सरे से कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, द सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, द सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन जो होती है इज एन इन एन अडल्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, एक अडल्ट के अंदर सीवियर सिम्टम्स में क्या चीज है, यहाँ सीवियर सिम्टम्स जो आ रहे हैं ना उनमें से सारे सिम्टम हो सकते हैं, बट एक चीज जो है ना वो एक्सेप्ट है, कौन सी चीज है, फटाफट, ए डिक्रीज थर्स्ट है, बी है डिजीनेस, सी वीकनेस, या फिर डी है पाल्पिटेशन, क्या चीज होने वाली है, सीवियर डिहाइड्रेशन है यहाँ पे किसी को अडल्ट को, तो यहाँ अडल्ट को एक चीज नहीं होगी सीवियर डिहाइड्रेशन में, यहाँ आंसर जो दिया जा रहा है आप याद रखिएगा, कई लोगों के आंसर गलत हो जाते हैं, तो जिनके गलत हो रहे हैं ना वो तुरंत इसको यहाँ ही करेक्ट करके चलिए कि आगे की जरूरत ना पड़े। तो आप याद रखिएगा सीवियर डिहाइड्रेशन बोला गया है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी ठीक है, पानी की कमी हो गई, अब यहाँ क्या हो रहा है, ए ऑप्शन डिक्रीज थर्स्ट, अब जब भी आपको पानी की कमी होगी तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, पानी की कमी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्स्ट, आपका थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा, आप स्टिमुलेट हो गया तो आपको पानी की प्यास ज्यादा लगेगी, तो ए ऑप्शन नहीं होता, क्या नहीं होता, ए ऑप्शन इसका नहीं है। हमेशा याद रखिएगा डिहाइड्रेशन हाइपोवॉलीमिया जब भी होता है, क्या चीज, हाइपोवॉलीमिया, तो आपका क्या होगा, टेकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट तेज तेज धड़केगा ब्लड को ज्यादा से ज्यादा पंप करने के लिए, साथ के साथ पल्स जो होगी बिल्कुल थ्रेडी, बिल्कुल धागे जैसी हो जाएगी ठीक है, तो ये क्या हुआ, वीकनेस आएगी आपको, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, तो ये सारा अपना होगा।
पाल्पिटेशन क्या होता है? पाल्पिटेशन ये आपको अगला क्वेश्चन जो है ना इसी पे बनाया कि पाल्पिटेशन क्या होने वाला है, ठीक है? तो इस क्लास को लाइक करते जाइए गाइज, लाइक करते जाइए, ठीक है? अगला है अपना क्वेश्चन, यहां क्या हुआ है? Which among the following signs and symptoms will be present in a patient with a hypovolemia? अब यहां पूछा गया है, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकते हैं, ठीक है? यहां क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहां पूछा गया है पेशेंट है जिनके साइन एंड सिम्टम विल प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का क्या साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होना चाहिए? ए ऑप्शन है इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट प्रेजेंट होनी चाहिए। बी ऑप्शन है हाइपरटेंशन, हाइपोवोलेमिया में हाइपरटेंशन होना चाहिए। सी है बाउंडिंग पल्स होनी चाहिए। डी ऑप्शन है यूरिन आउटपुट 30 ml/hr। तो आपको क्या बताया गया कि साइन एंड सिम्टम क्या होने वाला है? तो आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होने वाला है साइन एंड सिम्टम। तो यहां जो आंसर दिए जा रहे हैं ना, आंसर क्या दिए जा रहे हैं कि हाइपोवोलेमिया बोला गया है। हाइपोवोलेमिया मतलब यहां क्या बोला गया, हाइपोवोलेमिया। ये बोला गया कि फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स हैं जो विल बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद अ हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया वाले पेशेंट में कौन सा साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होने वाला है? भाई हाइपोवोलेमिया है, वॉल्यूम कम हो गया है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपको क्या चीज होने वाली है? ये चीज होने वाली है, वॉल्यूम का कम हुआ तो वॉल्यूम का कम होने के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, हार्ट क्या करेगा, तेज तेज धड़केगा। तो धड़केगा तो ये करने का क्या है भाई, ब्लड को पहुंचाना है हार्ट को, ज्यादा से ज्यादा मैकेनिज्म यही चलेगा हार्ट को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है। यहां तो ये क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन बाउंडिंग पल्स, हाइपरटेंशन और बाउंडिंग पल्स होती है। हाइपरटेंशन होता है बीपी का बढ़ जाना, हाइपरवॉलीमिया में बढ़ता है बीपी। बाउंडिंग पल्स होती है बहुत अच्छे से फील होने वाली पल्स, ये भी कहां होती है, हाइपर में होती है, पानी का बढ़ता है जब। और ये यूरिन आउटपुट 30 ml, हम ये बोल सकते थे यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml हो तो मान सकते हैं ओलिग्यूरिया में आ जाएगा, यहाँ 30 ml/hr बोला गया है। तो आप याद रखिए इंक्रीज हार्ट रेट इसका हो जाता है आंसर। एक ये क्वेश्चन है, कंटिन्यूस एयर बबल्स बबलिंग इनटू बॉटल ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज शोज। कंटिन्यूस एयर बबल्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ कंटिन्यूस एयर बबल आ रहे हैं चेस्ट ड्रेनेज में। अब चेस्ट ड्रेनेज का क्या हो रहा है कि ड्रेनेज करवा रहे हैं अपन चेस्ट में से, तो यहाँ आप कंटिन्यूस बबल्स आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस बबल क्या बोलेंगे, नॉर्मल होंगे ए, बी होंगे अब नॉर्मल, सी होंगे एयर लीक कर रही है या वाटर लीक कर रहा है। डी ऑप्शन वाटर लीक कर रहा है। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार आया है, तो आंसर दीजिए क्या हुआ। यहाँ आंसर आपके बखूबी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि यहाँ आंसर क्या दिए जा रहे हैं कि कंटिन्यूस एयर बबल्स आते हैं। एक तो होता है इंटरमीडिएट की, हाँ सर एक बार आया, दो बीच बीच में आ रहे हैं तो ठीक है वो तो अलग है। यहाँ अपन को क्या बताया गया, कंटिन्यूस एयर बबल्स आ रहे हैं, और कंटिन्यूस एयर बबल्स हमेशा ऑप्शन सी, बिल्कुल आप सभी का सही ऑप्शन सी, क्या एयर लीक कर रही है, एयर का लीकेज हो रहा है, इसको कहा जाएगा कंटिन्यूस एयर बबल आ रहे हैं। तो सी इज राइट, आप सभी के सी जो हैं बिल्कुल राइट हैं। चलें आगे, व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता ही है, तो यहां अपन ने कम से कम रिपीट जो हो रहे हैं ना वो क्वेश्चंस को भी लिया है कि ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, व्हाइल परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट, आप एब्डोमिनल का असेसमेंट कर रहे हैं, डू द फॉर बेसिक स्टेप्स इन विच ऑर्डर, आपको एक स्टेप्स को ऑर्डर में फॉलो करना पड़ेगा, जरूरी है एब्डोमिनल के लिए, असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या बताया गया, पहला ए ऑप्शन है इंस्पेक्शन करें, परकशन करें, पाल्पेशन करें, ऑस्कल्टेशन करें। बी ऑप्शन है इंस्पेक्शन करें, ऑस्कल्टेशन करें, परकशन करें, या अपन को पाल्पेशन करनी है। सी ऑप्शन पाल्पेशन इंस्पेक्शन परकशन ऑस्कल्टेशन, या डी ऑप्शन परकशन ऑस्कल्टेशन इंस्पेक्शन या फिर पाल्पेशन। तो यहाँ आंसर आप दे रहे हैं कि आंसर अपन को कौन सा लॉक करना है, यहाँ लॉक करना है, कौन सा करें, यहाँ आपका बताया गया आंसर है कि हमें लॉक करना है कौन सा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन लॉक करना है, बी ऑप्शन। अब ये बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन को कैसे क्या इमेजिन करें, बी ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बी ऑप्शन क्या होगा, इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है सिर्फ अपन को देखकर पहचानना है, देखा अपन ने, देखने के बाद अपन उसको आइडिया लगा रहे हैं, देखा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, इंस्पेक्शन कहलाएगा। ऑस्कल्टेशन होता है स्टेथोस्कोप के द्वारा साउंड को सुनना,
ठीक है। परकर्शन क्या होता है? परकर्शन होता है, अपन ने उसको हैमर या फिर किसी चीज से बजा के देखा भाई, टू फिंगर से बजा के देखा, ये कहलाएगा परकर्शन, ठीक है। और पाल्पेशन होता है, अपन को उसको दबा के देखना है, क्या देखना है? दबा के देखना है। तो गाइज यहां अपन ने क्या किया, हमने मान लीजिए अपन ने पाल्पेशन कर देते, पाल्पेट कर देते, तो अपेंडिसाइटिस हुआ होता या फिर पैनकेसाइटिस हो जाता, तो वो कहीं ना कहीं रप्चर हो जाता, तो दिक्कत दे जाता। अपन परकर्शन कर देते तो परकर्शन में अपन को पता नहीं चलता कि परकर्शन कर दिया, परकर्शन से साउंड ही चेंज हो गया, तो हमें तो साउंड सुनना था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, क्या थी, साउंड सुनना था, तो ऑस्कल्टेशन नहीं किया, तो अपन ने पूरा सीक्वेंस बनाया। सीक्वेंस क्या कि सर हम इसको कहते हैं, जैसे कि याद करने के लिए आई एम पर्पल, पर्पल यू करते हैं याद कि आई इंस्पेक्शन, एम का ए, का एम का ए ऑस्कल्टेशन, पर पी आर पर, और पल पर्पल, आई एम पर्पल। तो ये सीक्वेंस है, याद कर लेते हैं शॉर्ट तरीका, आई एम पर्पल, याद रखिएगा आई एम पर्पल, तो हम ये याद कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हुआ, यहां अपन को एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में पहले देखिए, हमें जितना ज्यादा हो ना उसको छेड़ना नहीं है, स्टमक को छेड़ना नहीं है, पेरिटोनियम को छेड़ना नहीं है, एब्डोमेन को छेड़ना नहीं। तो देखा, ऑस्कल्टेट किया, फिर परकशन किया, फिर जाके पालपेट कर लिया, ठीक है। तो आगे बढ़े, यहां बताया गया है अ 40 ईयर ओल्ड अनकॉन्शियस पेशेंट इज ब्रॉट टू द कैजुअलिटी फॉलोइंग रोड ट्रैफिक क्रैश, हिज ब्लड प्रेशर इज 80/60 mm ऑफ Hg, ठीक है। यहाँ 80/60 mm ऑफ Hg, व्हाट विल यू डू फर्स्ट, सबसे पहले क्या करने वाले हैं? मैंने गाइस आपको हर बार बताया है, मैस्लो हायरार्की को बताया है हर बार, क्या यहाँ अपन को ये बताना है, ए प्रोटेक्ट करें एयरवे, बी करें स्टार्ट वैसोप्रेसर, सी करें सीटी स्कैन हेड, या फिर अपन को इन्फ्यूज करना है 2 लीटर ऑफ द क्रिस्टलॉइड्स का, 2 लीटर करना है। तो आप याद है ना कि मैस्लो हायरार्की में क्या हुआ था, कि मैस्लो हायरार्की में बोला गया था ना कि पहले सांस लेने दो उसको, खाना वाना बाद में खिला देंगे, वैसोप्रेसर बाद में दे देंगे, सीटी स्कैन बाद में करा देंगे। आपको क्या करना है, जब भी प्रोटेक्ट एयरवे आ जाए बिना सोचे आपको प्रोटेक्ट एयरवे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अपना आंसर प्रोटेक्ट एयरवे, प्रोटेक्ट एयरवे से क्या हुआ, आपने एयरवे को होल्ड किया, एयरवे सही किया, उसके बाद इसका क्या होगा, बाकी के काम करते जाइए सर, इसको जो काम करना है आप बाकी करिए, पर पहले तो प्रोटेक्ट एयरवे करना है। तो ए को लॉक कर दिया गया, मैस्लो हायरार्की की याद रखिएगा, मैस्लो से आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं, सिचुएशन को सॉल्व करते चलिए, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आ सकते हैं, तो मैस्लो से हो सकता है। ये है द डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड द एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होगा, ए है 1.6 डिग्री सेल्सियस होगा, बी है वो 3 डिग्री सेल्सियस, सी है 1 डिग्री सेल्सियस, या डी है 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहां अपन को पता होना चाहिए कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है। यहां कितना डिग्री होने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। एक मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाता हूं, सीक्वेंस कैसे कि क्या क्या टेम्परेचर कहाँ कहाँ होता है, हम पहले तो ये देखते हैं, हमें पता होना चाहिए सर, हम नॉर्मली जो टेम्परेचर लेते हैं ओरली लेते हैं, ठीक है, ओरली लिख लीजिए, ओरल टेम्परेचर अपना पता होना चाहिए, ओरल टेम्परेचर हम कितना बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कितना 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। कि ये टेम्परेचर याद रखिएगा, क्या ओरल तो है 98 फ़ारेनहाइट में इतना है और सेल्सियस में 37 है, ठीक है। उसके बाद अपन नापना हो तो अपन क्या करते हैं, एक्सियल से भी नापते हैं और रेक्टम से भी नापते हैं, करते हैं ना मेजर। बट यहां अपन को एक चीज याद रखनी है, ओरल से तो कम होता है एक्सियल का टेम्परेचर, ओरल से ज्यादा होता है रेक्टम का टेम्परेचर, तो ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ओरल का इतना टेम्परेचर है, तो अब एक्सिला जो होता है, एक्सिला मतलब अंडरपिट, अंडरपिट वाला, तो यहाँ कितना टेम्परेचर होने वाला है, तो एक्सिला का याद रखिएगा 97.6, कितना 97.6, ठीक है। और रेक्टम में बोला जाए तो रेक्टम में कितना होने वाला है, रेक्टम में 99.6। अब बात यहां अपन को कॉमन सी क्या देखनी है, यहां कॉमन सी बात ये देखनी है कि वन डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंजेस आ गया, वन डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे,
कि यहाँ चेंजेस तो ये आ गया। अब यहाँ चेंजेस कितना आ रहा है, यहाँ देखिएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है लगभग, और यहाँ चेंजेस जो आता है एक्सिला में जो आता है 36.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये कैसे सेल्सियस में पूछा गया है, अपन को याद रखना है क्या सेल्सियस में पूछा गया है। तो यहाँ क्या होने वाला है, कितना अंतर आ रहा है, 0.6 डिग्री ऑप्शन जो दिया गया है इसको टिक कर दीजिए, ये सही ऑप्शन है। तो यहाँ इतना अंतर आ जाता है, ठीक है गाइस, इतना अंतर आ जाता है। तो डी ऑप्शन आप सभी का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब यहां क्या बताया गया है, द प्राइमरी रोल ऑफ अ पीडियाट्रिक नर्स इज टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर एज अ, एक प्राइमरी नर्स का, एक पीडियाट्रिक नर्स का प्राइमरी रोल क्या होने वाला है। तो ए ऑप्शन है अ कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर होगा, केयर कोऑर्डिनेटर होगा, कंसल्टेंट होगा, पीडियाट्रिक नर्स की बात हो रही, कंसल्टेंट बोल रहे हैं। बी है एन एडवोकेट, एजुकेटर, मैनेजर। सी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस प्रैक्टिशनर, या फिर क्लिनिकल स्पेशलिस्ट एंड केस मैनेजर। क्या आंसर होने वाला है गाइज, लाइक भी करते रहिए, ठीक है, साथ के साथ लाइक भी करते रहिए। जो साथी अभी लेट जुड़ रहे हैं ना, वो फटाफट लाइक करते जाइए कि हाँ सर आपके लिए मोटिवेशन के लिए हम हमारा एक लाइक तो दे दें, ठीक है। एक लाइक आपका बहुत प्यारा सा होता है, वो लाइक हमें मोटिवेशन दे देता है, ठीक है। तो ये लाइक करते जाइए। यहाँ आंसर क्या देखना है हमें, ऑप्शन बी जो है, बी ऑप्शन क्या, एडवोकेट, एजुकेटर, मैनेजर, ये सही है। अपन को ये देखना है बाकी के ऑप्शन क्यों सही नहीं है। यहाँ कोलैबोरेटर, हाँ नर्स होती है कोलैबोरेटर, कोऑर्डिनेटर भी होती है, बट नर्स कभी भी कंसल्टेंट नहीं होती, डॉक्टर नहीं होती नर्स, कंसल्टेंट नहीं होती। यहाँ क्या बताया गया, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर जानते हैं ना अपन क्या होते हैं, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर भी नहीं होती। क्लिनिकल स्पेशलिस्ट एंड केस मैनेजर, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट भी अपन जानते हैं किसको कहते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ काम जो है, काम क्या है, यहाँ काम एडवोकेट, एजुकेटर, मैनेजर का काम है, ठीक है। यहां बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड साइट फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, कौन सी प्रेफर्ड साइट होगी, ए डेल्टॉइड होगी, बी रेक्टस फिमोरिस होगी, सी वास्टस लेटरलिस होगी, या डी होने वाली है वेंट्रोग्लूटियल साइट। यहां कौन सा होने वाला है, यहां कौन से होने वाले गाइस हमें बताओ, इन्फेंट के अंदर, बिल्कुल सही है, इन्फेंट के अंदर अपन को कहां इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन कहां दे रहे हैं अपन, हमें पता हो, इमेज दिखाते हैं आपको कि अपन को बच्चों के जो होते हैं ना मसल्स, वो डेवलप नहीं होती गाइस, बच्चों की मसल्स अंडर डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ अपन को क्या करना है, अगर अपन इंजेक्शन देंगे ना, तो ये इंजेक्शन, अब इंजेक्शन कौन सा, कि आपको लगभग याद रखिएगा इस इंजेक्शन का 5 से 8 इंच के वो होती है इसकी लंबाई, 5 से 8 इंच वाला डालना है, 8 इंच से 5 वाला करें, और 25 गॉज जो होता है इसका वो होता है गॉज, ठीक है, 25 गॉज हो गया। तो आपको याद रखना है ये जो साइड वाली होती है, इन मसल्स को कहते हैं वास्टस लेटरलिस, तो हमेशा याद रखिएगा वास्टस लेटरलिस में इंजेक्शन लगाते हैं इन्फेंट, ठीक है, वास्टस लेटरलिस में इंजेक्शन लगा देते हैं इन्फेंट में। तो गाइज आज के लिए अपन ने फंडा के क्वेश्चंस को लिए थे, कुछ टॉपिक्स को कवर करने थे, उन टॉपिक्स को कवर किया। गाइज एक सजेशन देना चाहूंगा कि सजेशन ये कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे कि सर हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते टाइम आप क्या करें, डायरी और पेन लेके बैठे, उसको हैंड टू हैंड अपना आंसर लिखते जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो वो चीज आपकी मेमोरी में, लिख कर याद करने से मेमोरी में रह जाएगी, ठीक है ना, मेमोरी में रह जाएगी। तो हमें क्या करना है, डायरी लीजिए, कुछ भी नोट्स लीजिए, उसमें लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, साथ के साथ मेरी यहाँ क्लास में भी सॉल्व कीजिए, और अपने क्या है टेस्ट पेपर के जो ऐप है ना, पेड कोर्स भी है अपना, पेड कोर्स में क्लासेस दे रखी है अपने, बहुत सारी क्लासेस है, 450 से ऊपर क्लासेस है, नोट्स हैं, एक एक क्लासेस के नोट्स हैं अपने पास, मेन बात यह, एक एक क्लासेस के नोट्स अपने साथ चल रहे हैं। उन नोट्स के साथ साथ हमने क्या किया, पेपर्स जो होते हैं एमसीक्यूज पेपर, सीबीटी टेस्ट, वो आपको दिए गए हैं एम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 CBT दिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, उससे मन ना भरे तो आपको और CBT एग्जाम्स आपको फ्री दिए गए, जिसके CHO वाले 5 वो भी फ्री है,
पेड कोर्स भी है उसमें अपना कितना पेड है अपना 99 रुपए में, 15 15 अपने 99 रुपए में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है कल क्लास होगी क्या? कल क्लास नहीं है, मंडे को अपनी क्लास होने वाली है, उस क्लास के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होइएगा, आप लोग आइएगा। ठीक है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, हैप्पी टीचर्स डे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं।